क्या हाल चाल, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ का लॉकडाउन खुल चुका है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आज है शनिवार, सॉरी आज है फ्राइडे। तो आज शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, और कल से परसों से मेरे को अपनी पानीपुरी की दुकान खोलनी है ताकि मैं अपना पूरा सामान ला सकूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखते रहिए क्या क्या सामान आना है और मार्केट कितना खुला है, किसी किसकी पानीपुरी की दुकान खोली है, पहले ही दिन कौन कौन खोली है भाई, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, और पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे वीडियोस आपको फटाफट मिलते रहेंगे। तो चलो सबसे पहले ठेला भी धोना है आज मेरे को। ठेला धोने के बाद ठेला देखो आज नहीं धोऊंगा, दो दिन तो तीन दिन और दुकान बंद रहेगी। आज बंद रहेगी शनिवार को और रविवार को, तो तीन दिन बंद ही रहेगी, लेकिन कल से मार्केट बंद रहेगा। तो आज मेरे को प्याज आलू वगैरह ये सब जो आइटम होता है किराने का सामान, ये सब लाना पड़ेगा ताकि मंडे से दुकान चालू कर सकें। तो देखते रहेगा पूरा व्लॉग, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे भाई ये टंकी लाया है अपन उसकी दुकान की टंकी। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि ये जो है ना ये ख़राब है, इसका रेगुलेटर भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। इसका क्या प्रॉब्लम होती है, जब इसमें गैस भर दूंगा ना मैं, तो ये रेगुलेटर लगाने के बाद भी इसमें से गैस ऑटोमेटिक निकलने लगती है, जो कि दिक्कत वाली बात है। मतलब कभी कोई हादसा हो गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इससे अच्छा कि नया रेगुलेटर ला देते हैं। अपने पाइप का हाल दिखाऊँ तो ये पाइप भी पूरा ख़राब हो चुका है, ये भी नया लाना पड़ेगा। ये देख सकते हो ये पाइप भी नया लाना पड़ेगा, ये तवा वगैरह सब चूल्हा वगैरह धोना पड़ेगा आज। छोड़ ले जो रेडियो के जिसमें तार लगा रहता है ना, 200 रुपये का पाइप आता है, कितने का था वो, और जाकर रेगुलेटर चेक कर लियो, ये हवा तो नहीं कर रही है, मैं इसको हूँ जाओ। तो तकरीबन दुकान लगाने में ही 5 से 6 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे फिर से, क्योंकि आलू लाना है, प्याज लाना है, सब कुछ सामान, और फिर से पूरी गैस की टंकी भरनी पड़ेगी। और उसको क्या बोलते हैं, पाइप तो खराब ही हो चुका है ना पूरा, अगर पाइप में कहीं से लीकेज है तो पाइप दूसरा चेंज करना पड़ता है, रिस्क है ना, तो रिस्क है। ये डायलॉग नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर रोटी खा ली थी अभी बैठ के, खाएगी रोटी, खाएगी, खाली है। तो चलिए मैं चूल्हा भी अपना धो लेता हूँ, ठेला कल धो लूँगा, सबसे पहले तो गैस का काम कर लूँ। मेरा भाई आ जाएगा तो गैस वाले में पूरा पाइप वगैरह फिट कर देता हूँ, और हो सकता है उसमें पेंट भी कर दूंगा, और फिर बाज़ार भी जाना है आलू लेना। आलू नहीं पता क्या भाव है, मेरे ख्याल से 800 रुपये बोरा है, 800 रुपये बोरा मतलब 50 किलो का बोरा आता है, तो अराउंड 1600 रुपये किलो पड़ जाएगा हम लोग को थोक में। देखते हैं क्या भाव है। साफ कर रही का मम्मी, साफ कर रही है पूरा सामान वगैरह यहाँ पर जो रखा रहता था फालतू, ये सब मम्मी नहा धोवा के साफ कर रही है। और मैं चलता हूँ थोड़ा सा बाहर। तो अभी खाने का टाइम हो गया है, तो चलिए आज कटहल की सब्ज़ी बनी है, और देख सकते हो काफ़ी स्पाइसी और मस्त दिख रही है, पता है, मसालेदार। तो चलो खा लेता हूँ मैं, तो चलो खा लेते हैं फिर आगे की बातें करते हैं। तो ये देखिए मेरे भाई ने गैस के पाइप भी ले आया, जो कि गैस वाले जो पाइप होते हैं ना वो फट गए हैं पूरे पूरे, और मेरी मम्मी टी वी देख रही है, मेरे पापा लेटे हुए हैं, और मेरे भाई भी, और यहाँ पर टी वी चल रही है, पता नहीं कोई मूवी चल रही है यहाँ शायद। तो चलिए इसको लगा दूँ। अभी मैं किचन में आ गया था क्योंकि आज एक रेसिपी वीडियो बना रहा था, जो चाट में अपन पापड़ी फोड़ते हैं ना मैदे की, उसकी रेसिपी बना रहा था। तो आप लोग चाहो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके वहाँ देख लीजिएगा। तो ये रहा मेरा चूल्हा, क्या करूँ इसको, पहले करूँ इसको, है ओ भाई कैसी तवे की हालत हो गई है पूरी, और ये पानी पूरा बरसता है ना यहाँ पर खुला एरिया, क्या है मैं एक आध वीडियो बनाया था तो ऐसे ही छोड़ दिया था। अरे यार इसको बाद में धोते हैं, कर दे बंद कर दे। देखो मैं वीडियो बनाया हूँ, वो जो पापड़ी वाले सेकने वाली बनाया था, और रात को क्या हुआ था पता है, मैं खाना खा रहा था तो एक अंडे का ऑमलेट मैंने बनाया अराउंड 9 बजे के आसपास, 9:15 बजे के आसपास, और उसके बाद मैंने ना रात भर पूरी गैस खुली छोड़ दी, मतलब ऐसे ही जलती रही वो। बाप रे, सुबह मैं सो ही रहा था, ये मैसेज वाले बिना, सुबह मैं सो ही रहा था, मेरी मम्मी बोलती है काहे लला, हमने कही हाँ, कहा तुमने रात का गैस खुली छोड़ दी थी, बोलो ओ भाई क्या हालचाल, क्या हो गया फिर, मतलब ज़्यादा गैस ख़त्म नहीं हुई, जो भी हुई थोड़ी मोड़ी ख़त्म हुई, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने पैसे ले लिए हैं, चलिए चलते हैं बाज़ार आलू और प्याज लेने के लिए। एक बोरा आलू और एक बोरा प्याज तो लगभग आ ही जाएगा, और बाकी छोटे छोटे सामान जैसे टमाटर वगैरह तो सब तो फुटकर लेना पड़ता है। तो चलते हैं देखते हैं कि क्या प्राइस है अभी मार्केट में। तो देखिए फाइनली पूरा मार्केट खुल चुका है, और देखो एक पानीपुरी की दुकान लगी भी है, और इधर देखो समोसे की दुकान लगी है, और पीछे में भी एक अराउंड पानीपुरी की दुकान लगी है जैसे भी छोटी मोटी, और देखो यहाँ पे पूरा फल फूल की दुकानें सभी खुल चुकी हैं, मार्केट में भीड़ भी दिख रही है। तो आई एम सो हैप्पी भाई ये सब देख के। और मैं अपनी जगह की बात करूँ तो ये देखो यहाँ पर मैं दुकान लगाता हूँ, ये जगह देख रहा हूँ यहाँ पर मैं लगाता हूँ, और बगल में भी एक छोले भटूरे की दुकान लगी है। तो दोस्तों मार्केट खुल चुका है, और मैं आया हूँ आलू लेने। आलू देखो ये छोटा भी है बड़ा भी है, और उस तरफ मार्केट तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत खुश हूँ मैं भाई दुकान खुलेगी मेरे परसों से। और ये देखो भाई साहब यहाँ हिसाब किताब बनाते हुए अपना। तो आलू का भाव है सरकार? आलू 750। 750 रुपये पूरा, लाल की सफ़ेद? लाल, अभी लाल ही बड़ा है। कहाँ पे है? यहाँ भी है, अंदर में भी है, अभी आलू गोदाम में कितना ज़्यादा यहाँ पे आलू है। लाल आलू कहाँ है भैया? देखिए काम लगा हुआ है, देखो आलू कहाँ पे?
ये तो ये वाला बोरा में नहीं भरे हैं इसको, ये वाला बोरा में नहीं भरे हैं, कहा है? अच्छा तो ये आलू है, 750 रुपये बोल रहे हैं सलीम भैया, सिलवा दीजिए ना एक बोरा 50 किलो का। दो भैया सिल दो। अरे और शंकर, अरे यार ठीक है, मैं आलू दिखाता हूँ आपको, इतने बड़े बड़े आलू रहते हैं यहाँ पर, देखो आधा आधा किलो के सर में मार दो सर पड़ जाए। 50 रुपये है ना। प्याज का भाव भैया? प्याज प्याज का भाव बड़ा वाला? और मेरे को प्याज भी लेना है, और प्याज देखें तो ये रहा प्याज का साइज, काफ़ी बड़ा बड़ा है, एक बोरी में 37 किलो, लेकिन 37 किलो कौन सा भाव, 40 कर देते। तो ये रही वो दुकान जहाँ मैं गया था अभी, तो आलू लेके पहुँचा हूँ अपना, तो आलू बाइक के पीछे रखे मैंने, बस मिलने आया था। देखो काफ़ी भीड़ इनके दुकान में भी। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं, पानी पूरी की शायद एक ही थी कि आपको पास पानी पूरी भी मिलेगी और चाट मिलेगी, बाकी ये जो और दुकान थी ना वो वैसे ही थी, मतलब ज़्यादा कोई खास नहीं थी। ठीक है तो मैं भी दुकान खोलूँगा भाई सोमवार से, मेरी भी दुकान खास है पता है, उस एरिया में खास अच्छी बिक्री होती है मेरी। और तो अभी रहता हूँ प्याज, हाँ प्याज रहता हूँ, सॉरी एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई देख के, इतना ज़्यादा खुश हूँ लिटरली आई कांट टेल यू इन माई वर्ड्स ब्रो, भाई जो भी आप लोग कह लो, बहुत मस्त भीड़ थी यार, लॉकडाउन खुल गया, चलता हूँ प्याज लेता हूँ, आलू तो अंदर रख दिया मैंने। तो भाई सारा काम कर लिया, पूरा सामान ला दिया मैं, अब टाइम है, थोड़ा सा आराम कर चुका हूँ, अब थोड़ा सा आम खाने का मन कर रहा है, आम शायद होगा फ्रिज में, देखते हैं कि है कि नहीं। ये देखिए लौकी का हलवा अभी तक रखे, बताओ भला खाते कहीं नहीं जाको, आम कहाँ है, आई लो आम, धो के आ जाओ, धो ले धो ले धो ले। तो भाई इसको धो लेते हैं, पता नहीं ये ख़राब तो नहीं हो गया यहाँ पे, नहीं ख़राब नहीं हुआ, वो ऊपर का छिलका शायद ख़राब है इसका, तो ये हो गया, कटेगा कटेगा आम, कटेगा आम, लाओ काटो 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 काटो, सड़ा होगा जो नहीं सड़ा हुआ है, सड़ा सड़ा आम, छी अंदर से देखो पता चली, काटे काटो, दो टुकड़ा करो जाके, काला नमक है देखो, है काला नमक, बस 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 बस, देखो सीधे करो सीधे करो, यो भाई साहब कहाँ है काला नमक, इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देता हूँ, हा 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 हा, कहा होगा मेरे मम्मी ना, देखो आम किस में डाल दी सब्जी वाली प्लेट में, पूरा तीखा हो गया होगा तो, अरे हाय खाओ बाको, ठीक क्यों नहीं, अब उसको खाना तो पड़ेगा ना, और मैं जुगाड़ ले ले जा, मैं से ले अम्मा दवाई ले ले, ले हो ठीक है ना, ले हो, मैं बोल रहा था इसमें से ले लो, एक ठो दो पीस है इसमें, मतलब हाँ दो ही पीस है, आप लोग तो नहीं खाओगे ना, खाओगे पहले मैं खा लूँ, मीठो है मस्त, एक नंबर मीठा है। तो भाई खा लिया, मैं बताऊँ अगर इसका मैंगो जूस बनाता ना तो और भी एक तरफा लगता। तो अभी मैं देख रहा था कि क्या क्या वीडियो बनानी है मेरे रेसिपी चैनल के लिए, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है तो भाई एक्स्ट्रा बना के रख लूँगा, एक्स्ट्रा है भी मेरे पास, तो वही दिख रहा था। तो देखो नींबू और हींग वाला पानी बचा हुआ है, कलकत्ता चाट पानी पूरी मसाला ये भी बचा हुआ है अभी, और ये आप ये भी हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, और ये दिल्ली स्पेशल आलू चाट ये बचा हुआ है अभी तक, ये सब मैदा पापड़ी चाट तो आज मैंने बना ली, आज ही वाले ब्लॉग में इसको बनाया मैं, मैदा की पापड़ी बना ली, उसकी चाट नहीं बनाया, उसकी चाट भी आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद देख सकते हो ये सब क्या क्या लिखे हैं सब बच्चे लोग, ये हो गया, हाँ ये काफ़ी है। तो फिलहाल तो 4 बज गए हैं, तो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नहा के रेडी हो गया, और मेरा भाई अभी पानी पूरी लेके आया है मेरी दीदी की तरफ से, आज उधर दुकान खुली थी ना, तो आज फर्स्ट दिन वो दुकान खोली थी, लेकिन मैं नहीं खोल पाया, अबे देख रहे हो दो ही पीस बची है, बाकी कहाँ गई, अरे यार ये देखो खा के साफ़ कर दिए, रहा दूना मैं नहा रहा था जब तक, तो साफ़ कर दिया, बताओ भला मैं दो पीस कैसे खाऊं, नमक लगा के खा लेता हूं। भूख हो गई है, शाम हो गई है, क्या खाया जाए, ये मलाई खा लूँ मैं, देखो ओए होए नहीं ज़्यादा हो जाएगा, अबे रहन दो कैंसिल, आज चलते हैं मिक्सचर वगैरह कुछ खा लेंगे किसी दुकान में जाके, यहाँ पे देखिए शायद पैसा होगा, ये रहे 20 रुपये मिले भाई, 20 रुपये मिले भाई, ये रहे। तो सब कुछ काम हो चुका है, खाली इसका काम नहीं हो पाया, इसका काम शायद कल होगा, और चूल्हे का भी काम कल होगा। घर के बगल में ना केमिकल की फैक्ट्री है, मतलब जो दरवाजे बनते हैं ना, देखो जय डो इंडस्ट्री लिखा है आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो यहाँ दिन भर बदबू आती रहती है, नहीं पता कहाँ है, वहाँ पर ना दरवाज़ा बनता है, तो केमिकल जो चिपकाते हैं ना दरवाजे में, तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है उसमें से। मौसम तो ठीक है, आज उधर क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं लड़के लोग आज, अच्छा लॉकडाउन खुल गया ना यार, सब अपने काम में बिजी हो गए, दुकान दौरी कर रहे होंगे, दुकान वगैरह में बैठे होंगे, हाँ ठीक है ठीक है, शनिवार और रविवार को ही खेलेंगे अब तो मेरे को लगता है। तो अभी मैं बाहर गया था और घर आ गया हूँ, और मेरे भाई सोया चिल्ली बनाया है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरे भाई सोया चिल्ली बनाया है, लेकिन कैसे बनाया है, ये तो मेरे को गोभी की सब्ज़ी लग रही है, लिटरली बता रहा हूँ मैं,
ये देखो ना सोया तो दिख रही है इसमें, पता है खाया हूँ मैं एक पीस। ये देखो सोया दिख रही है, बस मेरा गोभी की सब्जी लग रही है। ये देखिए सोया चिली बनाया था यहाँ लेटा हुआ, कैसे बनाया था पता? पोहा और सोयाबीन बड़ी और बस, और वो शिमला मिर्च, शिमला मिर्च और सॉस, और चिली सॉस, टमाटो सॉस और वो सोया सॉस, कुछ नहीं डाला था, कुछ नहीं डाला था उसमें। उसमें ना ये कुछ भी नहीं डाला था, ऐसा लगता जैसे गोभी की सब्जी हो, कुछ नहीं था, खाली खाली मूवी। ठेला धोया है? ठेला धोया है, पूरा तैयारी हो गया है, बस दुकान खोलना बाकी है अभी। और अभी रात के 9:30 बज गए हैं आसपास, और बहुत देर तक बारिश होने लगी, शायद मेरी आवाज़ भी आपको साफ सुनाई नहीं दे रही होगी, तो ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप यू ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं जा रहा हूँ नहाने, मैं जा रहा हूँ नहाने इसे पानी में, नहीं मजाक कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।